अचंभित हूँ और सच कहूँ तो थोड़ा सा भयभीत भी। तो एक काम करते हैं, हम उनको बुलाते हैं जिन्होंने हम सबको आज यहाँ पे आमंत्रित किया है, ठीक है, और उनसे सुनते हैं। रोडिया, हेलो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? यार बता दो यार, कैसे हो आप सब? थैंक यू यार गौतम, बहुत प्यारा लगा प्रोमो। और जैसा मैंने इनको सबसे स्टार्टिंग में कहा, मैं खुद भी बहुत इंट्रीग था क्योंकि ये सब देख के लग रहा था कि यार ये कैसी बर्थडे पार्टी है। मैंने भी जब आके देखा तो मुझे भी लग रहा था ये कैसे बर्थडे पार्टी। और आपने भी पिछले कुछ दिनों में कुछ एक चीजें की जिससे कि हम सब और इंट्रीग्ड और एक्साइट हो गए कि यार ये हो क्या रहा है। तो गौतम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रहस्य से थोड़ा सा पर्दा उठाइए सबके लिए। जी जी बिल्कुल, ये काल भैरव रहस्य 2 जल्दी आ जाएगा। सी बेसिकली ये जो स्टोरी लाइन है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब ये मुझे पता चला था कि एग्जैक्टली ये मेरा शो क्यों उठाने का रीज़न था, ये एग्जैक्टली यही रीज़न था कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है वीर। वीर 29 साल का हो गया है जो आज आप सभी के साथ बनाएगा वो अपना बोतरे, और 30 साल से पहले उसकी मौत तय है। तो ये जो कैरेक्टर है, जो हमारा ये लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का भी था, तो बेसिकली ये लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एज वीर था। ये डायरेक्टली हमारी स्टोरी लाइन से लिंक्ड है। मतलब इसका ऐसा होता है कि कोई होता ना कि आप जब प्रमोशन करते हैं या स्ट्रैटेजी करते हैं तो आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी अलग होती है और आपकी स्टोरी लाइन एकदम ही अलग होती है, मगर ये डायरेक्टली एकदम ही साथ में मिली हुई चीज़ थी कि मुझे एक साल के अंदर बेसिकली ये रहस्य ढूंढना है कि ये एक मैन मेड मिस्ट्री है, मतलब कि ये किसी कोई इंसान कर रहा है या ये काल भैरव भगवान कर रहे हैं। जैसे आपने प्रोमो में देखा होगा कि श्राप मिला हुआ है खानदान पर, मैं उसका आखिरी वंशज हूँ। मैं अच्छी नहीं लगी मेरी बात? अच्छी लगी, चलो थैंक यू। तो मैं उसका आखिरी इंसान हूँ जो जिसे उसके पास एक साल है, अगर उसने एक साल में वो मिस्ट्री सॉल्व कर दी तो वो बच जाएगा, नहीं तो समझ गए आप क्या बात है। मेरे को एक चीज़ आपसे पूछनी है। जी जी बिल्कुल। जिस चीज़ के लिए मैं बर्थडे पार्टी में आया था। जी, बर्थडे मतलब केक। जी, तो केक वगैरह है कि? बिल्कुल है जी, केक तो ले आओ यार। गौतम, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। आपने जो कहा अभी कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और स्टोरी लाइन का सेम है, तो आपने कुछ बहुत ही इंट्रिगिंग किया था पिछले कुछ दिनों में। हाँ, सो व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? और जब मेरे पास ये चैनल के थ्रू आया था आइडिया कि वी हैव टू काइंड ऑफ वी वांट टू काइंड ऑफ प्रमोट इट इन अ वे। सी राइट नाउ एनी शो एनी फिल्म दैट यू हैव टू ब्रेक थ्रू द क्लटर, कि आपको कुछ एक स्ट्रेटजी अलग प्लान करनी है कि कुछ एक नज़र में आए, कुछ इंटरेस्टिंग हो, इंट्रीक हो। और हमारा शो जैसा मिस्ट्री और थ्रिलर है तो हमें बेसिकली उसके साथ क्रियोसिटी क्रिएट करनी थी और इंट्रीग क्रिएट करना था, तो उस तरीके से वो स्ट्रैटेजी प्लान की थी। बट ऑनेस्टली जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ी, हमें ये भी था कि हमें किसी के सेंसिबिलिटीज़ और किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना। इसलिए मैंने लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन बोला था, कभी भी लास्ट बर्थडे नहीं बोला था। और जो मेरा पूरा इंस्टाग्राम लाइव चैट था वो पूरा हंसते हुए गया था। और दूसरा, मेरा बर्थडे अगस्त में आता, किसी ने वो नोटिस ही नहीं किया। वो जो एडमायरर्स, जो दोस्त यार थे, उन्होंने भी नहीं किया। तो वो थोड़ी जो वेव चल गई वो हमारी हेल्थ की तरफ चली गई। तो जो हमारा ये था कि जो बेसिकली अगर हमसे पूछें आप, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी हमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, इंट्रीग क्रिएट करना है, फिर लोग सवाल पूछें कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। मगर जब एक तरफ वेव जा रही थी तो इट वॉज अ कलेक्टिव डिसीजन बाई द चैनल एंड बाई मी दैट वी हैव टू कम आउट एंड क्लियर दैट हेल्थ का कुछ नहीं है भाई। तो हमें वैसी स्ट्रैटेजी नहीं खेलनी थी, अगर वैसा कुछ खेलना होता तो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा था और हम जाने देते, मगर हमने पहले उसे क्लियर कर दिया। इंट्रिग बहुत अच्छा बना था वो, जितने हाँ, भी टाइम के लिए बना था, वो थोड़ा टेंशन जब सबके देखे रिएक्शन तो मुझे भी थोड़ा हो गया, तो इसलिए दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली वी क्लियर इट आउट।
So there. It's looking exciting. Again, I think over the marketing strategies will get up. So Gaurav, tell me one more thing. What are you looking forward to as an actor towards youth? मतलब जब तक उसके functions और कोई family functions नहीं होते तब वो ऐसे attire में होगा. Otherwise, he's dressed like normally, like you and me. But at the same time, इसके अंदर चीजें पहले characters थे एकदम ही अलग करके आई हैं क्योंकि अगर आप पहला episode देखेंगे तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा मगर ज्यादा नहीं बिल्कुल भी मत बताइए क्योंकि वही रहस्य मतलब कि मैं ही डर रहा हूं और मैं ही डरा रहा हूं सो एज एन एक्टर इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप सी बहुत कम चीजें होती हैं जहां आपको खेलने को मिलता है एज एन एक्टर जब आपको खेलने को मिल जाता है ना तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है अंदर से अंदरूनी रात को नींद आती है वो बहुत अच्छी आती है तो अभी तक जितना भी मैंने शूट किया है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं शूट किया था मतलब ऐसा कैरेक्टर उस तरीके से डेवलप पहले कभी नहीं हुआ था तो उसकी अपनी साइकोलॉजी है बंदे की और उस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है और लिखा बहुत इंटरेस्टिंग है ओके ओके सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड केक का भी इंट्रिग खत्म हो गया आ गया आ गया आइला मटर का बहुत ही आइला ओ माय गॉड जय माइला गौरव ये क्या क्या कर रहे हैं आप इस शो में और स्टार की जय हो स्टार की जय हो ये लग रहा है ये बर्थडे सेलिब्रेशन आज केक ही है ना भाई एक केक मटका है क्या नहीं नहीं केक है नाइस ये पूरा केक ही है ना गौतम अच्छा नहीं मेरे को लग रहा था मटके के अंदर डाल ले मटका कैसे काटूंगा वाओ ये दिस इज नाइस मैन साउंड्स वेरी एक्साइटिंग सो दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये थोड़ा चीजें एटमॉस्फेयर अलग है इंटरेस्टिंग है आई होप लोगों को पसंद आए ये आखिरी वाले जोन में ही लग रहा है मुझे सब ये आखिरी वाली जोन ही है भैया लास्ट है लास्ट के चक्कर में बड़े खाने पड़े हैं मुझे सो गौतम ऑन दैट नोट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू थैंक यू मैन एंड गाइस आपके सामने प्रोमो भी आया वी होप फॉर अ वेरी ग्रेट शो गौतम फ्रॉम योर एंड एंड लेट्स कट द केक नाउ हेलो चाकू वो दे देते यार काटने के लिए मैं आया लाल होल्ड योर माइक Yeah, happy birthday to you. May I say the last happy birthday celebration to you? Wow. हाँ ये बहुत बहुत सही लग रहा है खा सकते हैं नहीं हाँ खा सकते हैं वेरी श्योर देखियो मटके टूट चुकी है दैट्स द पीस So guys, we'll start with the one-on-one now and you can have his photo ops now. Thank you very much for coming. Thank you, Gautam. Thank you, guys. पर्सनली आप पूछे तो नहीं कैरेक्टर बिलीव करता है अगर आप मुझसे पर्सनल पूछना चाहें कि मैं बिलीव करता हूँ कि नहीं करता मैं नहीं करता बट कैरेक्टर वीर का जो कैरेक्टर है वो बिलीव करता है क्योंकि उसके खानदान में ये 150 सालों से ये चल रहा है तो 150 सालों में जो उसके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर थे उन्होंने कुछ गलत किया था एक महिला के साथ काल भैरव के मंदिर तो वहाँ से जो श्राप मिला है इनको तो उसके पूरे खानदान में चलते आया है तब से कि 30 साल से ऊपर इसके खानदान में कोई मतलब जो मेरे खानदान में कोई भी जी नहीं पाया आज तक ना मेरे पिताजी ना मेरे दादाजी ना उन परदादाजी कोई नहीं जी पाया तो बेसिक अब आखिरी वंशज मैं बचा हूँ और मैं 29 साल का ये हो गया आज के दिन में जो आप सभी के साथ मैंने बनाया है और मेरे पास 1 साल है ये सॉल्व करने के लिए कि क्योंकि बीच बीच में ऐसी भी चीज़ें होंगी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन इसलिए बन जाती है कि हम मिस्ट्री थ्रिलर तो बहुत देखते हैं मगर उसके अंदर हम ये देखते हैं कि 4 लोगों पे शक जाता है 1 2 3 4 मगर इसमें 4 लोगों के साथ ऊपर वाला भी है
तो अब ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि भगवान जी कर रहे हैं, काल भैरव भगवान कर रहे हैं, या कोई इंसान उनके नाम पे कर रहा है, यही कहानी है जी। यार मेरे को यार पहली बार किसी ने ये सवाल पूछा, मतलब को मैं इतना तड़प रहा था, मैंने कहा यार कोई तो पूछ लो कि भाई अगस्त में बर्थडे, कोई तो समझ लो कि बर्थडे सेलिब्रेशन बोल रहा हूँ यार, लास्ट बर्थडे नहीं बोल रहा। किसी को समझ नहीं आई, मतलब लास्ट बर्थडे पे जो चल गए, मैंने कहा लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, फिर सेलिब्रेशन पे स्ट्रेस डालना पड़ा मेरे को। नहीं नहीं अब तो मज़ा आ रहा है क्योंकि सब अब बाहर आ चुका है और ये वीर का बर्थडे है, बट मेरा बर्थडे अगस्त में होता है यार, 14 अगस्त को, सबको पता है, मतलब जितने भी मेरे एडमायरर्स हैं खासकर उनको तो पता ही है। तो यस गिफ्ट तो आप दे रहे हैं? गिफ्ट आज मैं दे रहा हूँ, आप सबको बुला रहा हूँ, केक खिला रहा हूँ, कमाल कर रही है, ऐसा थोड़ी है। हाँ जी सी ऑनेस्टली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये बेसिकली ऐसा कुछ इसमें प्रिपेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट करने वाला नहीं था। स्टोरी लाइन अपने में इतनी इंटरेस्टिंग है ये कि स्टोरी लाइन ही इतनी डिफरेंट है कि वो जो कैरेक्टर है वो स्टोरी से ही बाहर निकल के आ जाता है। तो मुझे एज एन एक्टर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि स्टोरी इतनी अच्छी तरह लिखी गई है कि मेरा कैरेक्टर उसी के अंदर, अगर मैं उसको अच्छी तरह एज अ सेंसिबल एक्टर फॉलो करूँ तो मेरा कैरेक्टर अपने आप डिफरेंट हो जाता है, जो हो मेरे हिसाब से हुआ है, बाकी तो फिर आप लोग देख के बताएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कमाल कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, अभी अभी शादी हुई है तो क्या बात है, रोमांस तो करूँगा। दूसरा सीजन है तो पहले सीजन के मुकाबले ये काफी प्रेशराइज हो जाता है एक्टर के लिए कि काफी ज्यादा अच्छा हो, लोगों को पसंद आए, तो ऐसा? यार देखिए ऑनेस्टली बताऊं, पहला सीजन मैंने नहीं देखा तो मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं बोलूंगा कि मैंने पहला फॉलो किया और मैंने पहला नहीं देखा, मगर पहले की तारीफ बहुत सुनी है, पहला बहुत अच्छा चला है चैनल के लिए, नंबर वन रेटेड TRP लाया था चैनल के लिए, तो डेफिनेटली दूसरे से भी उम्मीद की जाती है जब पहला चल जाता है कि दूसरा भी चले, अब चाहते तो सब यही है, मैं भी यही चाहता हूँ, अब बाकी तो भाई ऑडियंसिस के हाथ में है, सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो मेहनत करूंगा बस। ओके सर, पास्ट में आप जो भी सीरियल कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर रहा है, और यू आर आल्सो नोन एज अ वर्सेटाइल एक्टर ऑफ बॉलीवुड, सो क्या ये इसमें ऐसे कैरेक्टर क्या था ये कैरेक्टर में जो आपने हामी भरी? सी सबसे पहले मैंने स्टोरी के लिए हामी भरी, स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, इतनी मतलब अच्छी तरह, सी मिस्ट्री थ्रिलर जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आता है, बहुत आती हैं, मगर जब आपको वहाँ पे आ जाता है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन है कि कोई आदमी कर रहा है, पहले तो होता ना कि आपकी मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस, यार ये चार किरदार हैं फिल्म के अंदर या टीवी के अंदर, ये चार में से होंगे, आप 1 2 3 4 बार बार शिफ्ट होता है, ब्लेम ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रही है, वो कर रहा है, अब यहाँ पे ये तो हैं ही, साथ में भगवान जी भी हैं, तो अब यहाँ से हो रहा है कि ये सारे लोग कर रहे हैं मिलके, तो अब इस इंसान को, वीर को, खतरा सिर्फ लोगों से नहीं है, ऊपर वाले से भी है, मतलब उस श्राप से भी है, तो अब यहाँ पे इसको ये सॉल्व करनी है मिस्ट्री, एक साल बचा है कि यार इनमें से कोई है कि डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन है तो ये रोक नहीं सकता, इनमें से कोई है तो रोक सकता है, तो ऐसी सर्कमस्टांसिस उसकी होंगी शो में, वीर के साथ ऐसे एपिसोड्स में आएगा कि कहीं कहीं जब जब उसे लगेगा नहीं यार ये तो भगवान नहीं है, ये तो कोई इंसान है, फिर सडनली कुछ ऐसा होगा, नहीं यार ये इंसान तो कर ही नहीं सकता, ये तो भगवान कर रहा, तो ऐसी चीज़ें जब मिलती हैं तो इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो एज एन एक्टर सी, जैसे मैंने आपको कहा मैं श्राप में बिलीव नहीं करता, मगर ये कैरेक्टर बिलीव करता है, तो इसके दिमाग में जो मनोस्थिति होगी इस इंसान की, वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा उसके लिए कि यार कर कौन रहा है, कोई घरवाला कर रहा है, कोई दूसरा दुश्मन कर रहा है, कोई बाहर से कोई इंसान आके वो कर रहा है कि भगवान कर रहा है, तो वो कैरेक्टर ही अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि सिचुएशंस इंटरेस्टिंग है, तो वो अपने आप निखर के बाहर आ जाता है। अच्छा मी टू जी ऑनेस्टली जितना भी बार सुना है, जितना भी बार हो रहा है जो मी टू कैंपेन, आई टोटली सपोर्ट इट, मैं बिल्कुल उसमें हामी भरता हूँ, क्योंकि जो भी उसमें कोई टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि आपके साथ 10 साल पहले कुछ हुआ या कोई किसी ने बदतमीजी की या कुछ भी आपके साथ हुआ तो आप 10 साल के बाद नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं आप बाहर, मगर एट द सेम टाइम सिर्फ मेरा एक ही मानना है कि दोनों चीज़ें साथ में फॉलो होनी चाहिए, आप बाहर भी आइए, आप उनका नाम भी लीजिए, आप सोशल मीडिया जाइए, न्यूज़ चैनल जाइए, मगर एट द सेम टाइम एक लॉ को भी फॉलो कर लीजिए, एक NC या FIR साथ में करवा लीजिए, तो वो प्रूफ बन जाता है कि आप सच में उस इंसान, मतलब कि ऐसा ना हो कि आप ये कर रहे हैं दूसरा इंसान आप पे दूसरा काउंटर कर रहा है,
तो अगर जिसके साथ भी हुआ है आई एम टोटली विद देम, बट एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से अगर आप पूछें चाहे तो दोनों साथ में फॉलो होना चाहिए, आप ये भी कीजिए और साथ में वो भी कीजिए। बट डू यू थिंक इज अ फेयर टू पॉइंट ऑफ द बिग बिग सेलिब्रिटी लेजेंड लाइक अमिताभ बच्चन एंड विदाउट एनी प्रूफ पॉइंटिंग समवन विद इज लाइक नोन बॉलीवुड लेजेंड अकाउंट? जी मैं सिर्फ अपने बारे में ऑनेस्टली मेरी मैं प्रक्रिया रख सकता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में। अब किसके साथ पर्सनली क्या हो रहा है मैं नहीं बोल सकता। अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं मीटू के साथ में हूँ, मैं डेफिनेटली 100% साथ में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने बाहर आ सकते हैं बोले, मगर एट द सेम टाइम लीगल रूट भी साथ में लें कि ऐसा ना हो कि एक ही तरफ बोला जा रहा है, नहीं तो फिर प्रूफ कैसे करोगे आप कौन सही है कौन गलत है। जब आप ये कर रहे हो तो आपकी सीरियसनेस पता लगती है आपकी कितना सीरियस हैं आप इस चीज़ को लेकर। तो थैंक यू गाइस।